आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। जैसे हमारे यहां दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है। देवगढ़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्मा ही समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोना रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर, उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूँ। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूं आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार हूं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो, ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है, और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है, इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में, एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिलकर के, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार, इस सोच में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे,
हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200, एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में। ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। मेरे लिए किसका किसकी सरकार है इसके आधार पर मैं देश नहीं चलाता। हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते, इस भूमिका से काम किया है आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे देश में विदेश के मेहमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे था थोड़ा है, पहले भी आते थे। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूँ राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है। पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग असहयोग इसके तराजू पर नहीं तोड़ते, एक एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। मैं दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा,